आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन से अगर कॉल नहीं लग रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल करने पर कॉल नहीं लग रहा है ना, तो सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है। अब देखिए इस वाले पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के समान डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सिम कार्ड जो है मोबाइल से बाहर निकालना है, और सिम कार्ड का जो सिम ट्रे होता है उसमें दो स्लॉट होती है, सिम 1 सिम 2, ठीक है। तो आपको अपना सिम कार्ड का सिम स्लॉट एक बार चेंज करके देख लेना है, ठीक है, इससे भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है, नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन आएगा, इसे टैप करना है। अब देखिए इस वाले पेज पे आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे आपको टैप करना है। अब देखिए इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ही ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।